अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं सलमान मदर खान की जुम्मन। आप लोग देख रहे हैं सक्सेस प्रीचर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के स्पेसिफिक वीडियो के अंदर हम लोग इंग्लिश पार्ट वन पेयरिंग स्कीम 2021 फॉर ऑल पंजाब बोर्ड जो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो पेयरिंग स्कीम है, ये हमारे पास टेंटेटिव पेयरिंग स्कीम है। मोस्टली 90% चांसेज यही है कि यही पेयरिंग स्कीम जो है फॉलो की जाएगी। अगर हम लोग इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव पार्ट की बात करें तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव जो होगा वो 20 मार्क्स के ऊपर मिस मिलेगा, जिनमें से 10 नंबर के सिनोनिम्स पूछे जाएंगे। बुक की लाइन जो है वो आप लोगों से 5 मार्क्स की पूछे जाएंगे, और क्रैक यूज़ ऑफ वर्ब जो है वो आप लोगों से 5 मार्क्स के एमसीक्यूज़ जो है वो पूछे जाएंगे। अगर हम लोग सिनोनिम्स की बात करते हैं तो हमारे पास लेसन नंबर 1 और 3 से एक एमसीक्यूज़ पूछा जाएगा, लेसन नंबर 5 और 6 से एक एमसीक्यूज़ पूछा जाएगा, लेसन नंबर 8 से एक एमसीक्यूज़, लेसन नंबर 10 और 11 से एक एमसीक्यूज़ पूछा जाएगा, लेसन नंबर 13 और 14 से एक सिनोनिम जो है वो आपसे पूछा जाएगा। प्ले वन जो हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है, इसके अंदर से कोई वेटेज नहीं पूछी जाएगी। प्ले टू से दो जो है वहाँ से सिनोनिम्स पूछे जाएंगे, प्ले थ्री से एक सिनोनिम पूछा जाएगा। इसके अलावा 0.1, 3, 6, 8 और 10 जो है इनमें से एक सिनोनिम पूछा जाएगा, और 12, 16, 17, 18 और 20 जो पॉइंट है इसमें से एक सिनोनिम जो है वो आपसे पूछा जाएगा। अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव पार्ट होते बुक की लाइन से 5 एमसीक्यूज होंगे तो लेसन नंबर 1, 3, 5 से एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा, लेसन नंबर 6, 8 और 10 से एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा, लेसन नंबर 11, 13 और 14 से एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा, प्ले टू से एक एमसीक्यूज होगा, प्ले थ्री से एक एमसीक्यूज जो है वो पूछा जाएगा। तो हम लोग वर्ब यूजेज की बात करें तो यूनिवर्सल टू से एक एमसीक्यूज आएगा, कंडीशनल टेंसेस से एक एमसीक्यूज आएगा, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर से इंडिविजुअली एक एक एमसीक्यूज जो है वो आप लोगों से पूछा जा रहा होगा। अगर हम लोग सब्जेक्टिव पार्ट की बात करें तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो है 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन फर्दर आके या 3 पोर्शन के अंदर डिवाइड होते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो बुक 1 से आता है, जिसमें से आपको 9 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, आपको 6 क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप लोगों को प्ले में से 8 में से जो है वो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको सोल्व करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो पॉइंट्स में से 7 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने पड़ते हैं। अगर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन पैटर्न की बात करें तो हमारे पास लेसन जो है वो 1 और 3 से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेसन नंबर 5 और 6 से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो लेसन नंबर 8 होगा इससे 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेसन नंबर 11 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेसन नंबर 13 और 14 से जो है वो आप लोगों से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। यहाँ तक आपके लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद अगर प्लेज की बात करें तो फर्स्ट प्ले जो है वो आप हमारे सिलेबस का इंक्लूड नहीं है, तो प्ले टू में से आपसे जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और प्ले थ्री में से भी आपसे जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। पॉइंट्स की बात करें तो फर्स्ट और थर्ड पॉइंट से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, पॉइंट 6 और 8 से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, पॉइंट 10 और 12 से जो है वो एक एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, पॉइंट 16, 17, 18 और 20 पॉइंट जो है इनमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा रहे होंगे। अगर हम लोग फर्दर बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा उसमें से एप्लीकेशन और लेटर दोनों में से कोई एक चीज़ करनी होगी, और ALP सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो एप्लीकेशन और लेटर गिवन है इन्हीं में से आपसे कोई ना कोई लेटर जो है वो एप्लीकेशन पूछे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो आपको स्टोरीज कोई से 2 पूछे जाएंगे, इनमें से कोई एक करनी होगी, ये भी आपके ALP सिलेबस में से ही पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का ही पार्ट की बात करें तो आपको पोइम का स्टैंजा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7B की बात करें तो पंक्चुएशन होगी 5 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 7C की बात करें तो हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो आप लोगों से ट्रांसलेशन जो है वो पूछी जाएगी। तो ये थी हमारे पास इंग्लिश पार्ट 1 की पेयरिंग स्कीम। उम्मीद है आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह ताला की ज़्यादा आप लोगों की हमें नासिर। अल्लाह हाफिज़।